दोस्तों यह है अंबिकापुर का बस स्टैंड। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में अंबिकापुर का बस स्टेशन से रूबरू कराने वाले हैं। बेसिकली हम अंबिकापुर का बस स्टॉप से आपको सैर कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल का नाम है गुच्ची ब्लॉगर। तो गाइस इस वीडियो में आपका इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपको अंबिकापुर का बस स्टेशन को चलिए बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। दोस्तों यूं तो यह बस स्टेशन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। आपको बता दूं कि यह बस स्टेशन सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा बस स्टेशन है। दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बस यहाँ उपलब्ध है। और आपको बता दूं कि यहाँ रायपुर, बिलासपुर, दूर, राजनंदगांव इत्यादि कई जगह जहाँ फेमस है वहाँ तक जाती है। और दोस्तों यह बस स्टेशन तो ऐसे ही लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह बस स्टेशन की खास बात यह है कि यहाँ कई सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। यहाँ मुफ्त में शौचालय का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। और दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे रात में रुकने की व्यवस्था किया है यात्रीगण के लिए। और यहाँ पे कई सारी सरकार हमारे लिए जो हमारे लिए व्यवस्था के अनुसार, मतलब सरकार यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की है जिससे यात्रियों को काफ़ी सारा मदद मिलती है। और यहाँ पे कई सारे बसेस चलते हैं जिसे आप टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको कानूनी तरफ से आपको सहायता भी मिलती है। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप तुरंत ही शासन से मदद ले सकते हैं। और सभी को यह बता दूं कि अंबिकापुर में जितने ही बस आते हैं यात्रीगण को लेने के लिए यहाँ पे ऑटो लगी रहती हैं। जिसको रेलवे स्टेशन जाना है वो रेलवे स्टेशन जाता है, जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाता है, जिसको ऑफिस जाना रहता है वो ऑफिस जाता है। ऐसे ही अपने अपने काम के लिए जाना रहता है, उन्हीं को पहुंचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑटो उपलब्ध हैं, जिससे आप कम से कम पैसे में अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सस्ती में दाल भात मिल जाती है जिसे आप अपना पेट भर सकते हैं। दोस्तों यह बस स्टेशन बिलासपुर चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह बस स्टैंड पहुंचने के साथ यहां आपको कई सारे बसेस नज़र आएंगी जिसे आप अपनी आगे की ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों यहां की खास बात यह है कि आपको आगे की सफ़र करने के लिए यहां पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा ऑटो लगी रहती है जिससे आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा, आपका हेल्प करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अंबिकापुर का बस स्टेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको मदद करूँगा। यही हमारी टीम गुच्ची ब्लॉगर की तरफ से आपको सहायता प्रदान किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। सभी को लव यू एंड बाय बाय, टेक केयर। Oh, oh.